हाँ मोटिव समझना अलग अलग होता है ना. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. ओके एक छोटा बच्चा है मान लो, ठीक है, उसको आप बोलते हो कि बेटा सॉकेट में हाथ मत डालना, ठीक है. मैंने कई घरों में देखा है लोग क्या करते हैं, सॉकेट में जाके चॉक भर देते हैं ताकि बच्चा हाथ ना डाले, और डाले तो कुछ ना हो उसे, जो सॉकेट सब ये यूज़ के नहीं होते, चॉक डाल दिया, कोई टेंशन नहीं, आप तो जो करना कर, कोई टेंशन नहीं, करंट नहीं लगेगा तेरे को. क्या कर रहे हैं ये लोग, समझा तो रहे हैं. हाँ क्या होता है उसके बाद, वो वही करने की कोशिश करता है, फिर वो बैठता है, एकदम बैठ के चॉक निकलता है, उसको बड़ा मजा आता है चॉक निकालने में. सबसे ज्यादा मजा तो उसी में आता है चॉक निकल, जो कोई चीज कहीं पर है उसको निकाल लो बाहर. खुराफात ही बच्चे होते हैं. अब आपने उसे ये तो बोल दिया कि वहां करंट लगेगा, उसे पता है कि करंट होता क्या है. आपने तो झटका लगा, झटका क्या होता है, झटका उसे महसूस ही नहीं हुआ आज तक, झटका कैसे मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा क्या, नहीं. तो क्या करता है, कुरेदता है, अचानक सर करंट ऑन होता है, यूं आपके पास आके थोड़ी देर लिपट जाता है वो आके, क्यों लग गया बहुत अच्छे से. अब आप वो चौक निकाल भी दोगे ना, बोलोगे बेटा करंट लगता है, हाँ लगता है करंट. क्या होगा, उसे एक्सपीरियंस हुआ एक बार, आपके समझाने पे क्या वो समझा, नहीं. उसे एक्सपीरियंस करना पड़ा करंट क्या होता है, उसके बाद ही उसे करंट के बारे में मालूम पड़ेगा. सेम चीज आपके लिए भी है. मैं अगर कोई बात किसी को समझाना चाहता हूँ, पहले मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा. इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद को एनालाइज करूँ मैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहला. दूसरा, क्या वो बंदा या बंदी उस मेंटल लेवल पे है कि वो मेरी बात समझ सके और सुन सके. अगर नहीं है तो पहले उसको उस लेवल तक लेकर आओ और फिर समझाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक वो फ्लो मैच नहीं होगा. आपने कभी उल्टा करने की कोशिश करी, मान लो कि एग्जाम्पल लेते चलो, कितने लोगों ने अपने पापा को कुछ समझाया है, पापा मेरे को समझाया है डांट के, मत करना अगली बार, इज्जत खराब होती है हमारी. अरे डांटा करो, वो डांटते हैं तुम्हें, डांटते हैं कि नहीं, हाँ तुम भी डांटा करो उन्हें, क्या ये तरीका होता है, ऐसे कपड़े पहन के जाओगे मेरे सब पार्टी में. वो तो यही बोलते हैं, क्या फटी हुई चीज पहन के बैठे हो, जाओ जल्दी चेंज करो, करते हैं. पॉइंट ये है, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी जो फ्लो होता है ना, हायर से लोअर हो सकता है, लोअर से हायर सेम इंटेंसिटी से नहीं हो सकता. गेटिंग इट? वो आपको किसी चीज के लिए मना करे, जिस टोन में करे, आप जरूरत नहीं कर सकते इस बात की कि आप सेम इंटेंसिटी मैच करो उनके साथ और बोलो आपने भी तो किया था मेरे साथ ऐसा. कर सकते हो क्या? नहीं, बट अब करते वही है, टोन चेंज हो जाता है. मुझे नहीं जाना पार्टी में, मैं यही पहन के जाऊंगी, मगर जाऊंगी यही पहन के, ले आया तो ले जाओ, नहीं जा रही मैं. कर आप वही रहे हो बट तरीका चेंज कर दिया आपने, बट क्या वो काम करता है? नहीं, उल्टा ही होता है. हम जब किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले ये जाने कि सामने वाला सोच कैसे लगता है, कि आपकी बात को सुनेगा भी, और अगर नहीं है तो फिर क्यों समझा रहे हो, समझाओ मत, दिखाओ उसे. फिर क्या करो, दिखाओ. अब आप बोल रहे हो कि झटका लगने वाली बात थी ना, आपने क्या करा, झटका लगा नहीं मालूम पड़ा, झटका लगने दो फिर मालूम पड़ेगा, समझ जाएगा. आप उन्हें चीजें होते हुए दिखाओ. अगर आप बोल रहे हो कि देखो ये नहीं करने से ये होता है, तो बोलेंगे मेरे को यही करना है, खत्म बात, ज्यादा मत सिखाओ मुझे. कहा ठीक है, मत सिखाओ, अगली बार बस एक बार बोलना, सिखाने मत जाना. जब ऐसा होगा तो खुद आपके पास आएंगे, और तुमने जो बोला सही था, बट क्योंकि आप प्रेशराइज करते हो ना, तो सामने वाला जो हम में से सबके पास मानते क्या होता है, ईगो. ये जो ईगो होता है ना, ये अपनी गलती मानने के लिए मजबूर नहीं करता, हमें बोलता कि ठीक है जो मैं हूँ मेरे कारण होना, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ मैं. उस ईगो के अगर आप चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो उनका सामने वाले का ईगो हमेशा बीच में आएगा, वो मानने देगा ही नहीं कि वो गलत थे, वहाँ गेम ओवर हो जाएगा. तो आपको ईगो को नीचे लाना पड़ेगा.
तो इंट्रोस्पेक्ट जब आप करोगे कि शायद तरीका चेंज करने से चीज़ें बदल सकती हैं, हो जाएगा। एक कहानी सुनाता हूँ इसकी बात पर। एक छोटा लड़का था, वो अपना उनका जो पिता था वो लकड़हारे थे। क्या थे? लकड़हारे। तो ये जो छोटा बच्चा था एक बार अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप इतने घंटे जाके लकड़ियाँ काटते हो और आपके साथ बाकी लोग भी जाके लकड़ियाँ काटते हैं, आप थकते नहीं हो क्या? तो मैं थक जाता हूँ बेटा। मैं बोले फिर आप लकड़ियाँ कैसे काटते हो, क्या करते हो ऐसा? तो बोले बेटा मैं मालूम है क्या करता हूँ कि मैं जब लकड़ी काटने जाता हूँ तो मैं एक पेड़ देखता हूँ पहले, तो किसको काटना है, कौन सा पेड़ काटना है। बोले हाँ देख लिया। फिर मैं अपनी कुल्हाड़ी लेता हूँ, उस पेड़ को काटता हूँ, काटना शुरू करता हूँ। जब पेड़ कट जाता है उसी के तने में बैठता हूँ मैं और अपनी कुल्हाड़ी लेता हूँ, चिकना पत्थर लेके उसे फिर से तीखा करता हूँ। क्या करता हूँ? तीखा करता हूँ। टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। किस चीज़ को? उस कुल्हाड़ी को वापस पैना बनाने के लिए। ठीक है, मैं फिर अगली लकड़ी अपना पेड़ देखता हूँ काटने के लिए और फिर कुल्हाड़ी लेता हूँ, फिर काटना चालू करता हूँ। और फिर जब वो गिरता है फिर उसके तने पे बैठता हूँ और फिर उसको तीखा करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? उसका पैनापन बढ़ाता हूँ। क्लियर? ऐसा मैं हर पेड़ काटने पे करता हूँ। तो अगर मैंने दिन में 10 पेड़ काटे तो 10 बार मैंने अपना कुल्हाड़ी क्या करा? पैना किया। क्या किया मैंने? पैना। एग्जैक्ट वर्ड अगर बोलूँ तो इंसाइसन किया, शार्प इफेक्ट रखी है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ? उसे पैना करता हूँ। अब होता ही है बेटा कि मेरे साथ वाले जो रहते हैं ना वो कुल्हाड़ी लेते हैं, पहली पेड़ पे मारते हैं, पहला पेड़ गिरता है, ताकत रहती है, जोश रहता है, वो अगले पेड़ पे आते हैं, फिर उसको ताकत तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब होता मालूम है क्या कि क्योंकि वो कुल्हाड़ी को पैना नहीं करते, उनको ताकत ज़्यादा लगती है तोड़ने में और वो और ताकत लगाते हैं, और ताकत लगाते हैं। तो जहाँ मैं दिन में 10 पेड़ काटता हूँ समय पे अपने कुल्हाड़ी को पैना कर कर, वो केवल 6 या 7 ही काट पाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। और मैं थकता नहीं हूँ क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी में धार रहती है, तो मुझे ताकत कम लगानी पड़ती है, कुल्हाड़ी अपना काम करती है। आप कितने पहने हो कि आप जिस टास्क को कर रहे हो क्या उसके लिए अपने आपको अपना पैनापन आपने बनाए रखा है या कब पैनापन खत्म हो गया है? पैनापन मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो आपने दूसरों से अलग बनाती है आपको, ऐसी बातें जो किसी और में नहीं है मगर आप में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके बगल बैठे हुए इंसान से अलग बनाती है? फिजिकल स्ट्रक्चर को छोड़कर, शक्ल सूरत सबके पास है, इसको छोड़ के आपके बगल में बैठा हुआ इंसान आप में क्या डिफरेंस है? हॉबीज। हॉबीज। अब जैसे विजय के बगल में शिवा है, इधर आकाश है, तो आकाश भी डांस करता है, विजय भी डांस करता है। अब आकाश का जैसा अगला क्या है, तो आकाश बोलेगा मैं स्टंट करता हूँ सर, विजय बोलेगा मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, आकाश बोलेगा मैं 2 हाथ पे खड़ा हो जाऊंगा सर स्टंट में, विजय बोला तू ही कर। बट ये क्या बात है, ये आकाश को विजय से अलग बनाती है। आपके पास ऐसी क्या खास बात है जो आपको आपके बगल वाले इंसान से अलग बनाती है? ऐसी कौन सी खास बात है आपके अंदर जो आपको वो पैना पर बढ़ाने में काम लगाएगी? नॉलेज। अब सर इसमें एक सवाल आता है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं ना सर, प्रॉब्लम क्या होती है कॉलेज में जब इंटरव्यू के टाइम जाता है, इंटरव्यू के टाइम पे एक बंदा है जिसको 7.8 CGPA है इंजीनियरिंग में, अगला जिसको 8.2 है, जितना नॉलेज 8.2 के पास होगा तकरीबन उतना ही नॉलेज 7.9 के पास भी होगा, हाँ या ना? तभी तो पास हुआ एग्जाम है वो। डन। अब इंटरव्यू में राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड क्लियर करके बंदा PI तक पहुँचता है। PI में केवल 20% क्वेश्चंस होते हैं जो कि टेक्निकल प्रोस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, 80% पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। कितने पूछे जाते हैं? केवल 20%।
बाकी कितने परसेंट पूछे जाते हैं पर्सनल? 80%. अब 20% तो बंदा निकाल लेगा क्योंकि नॉलेज है उसके पास, बचा हुआ 80% कैसे निकालेगा? एक्सपीरियंस किस चीज का? इंटरव्यू देने का. उसके लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इंटरव्यू देके. पार्टन जैसे एग्जाम्पल लेते, चलो आप खड़े हो जाओ. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? And how do you handle your courage in tough situations? आप अपने courage का use कैसे करते हो tough situations में? कैसे मालूम पड़ा कि courage है आप में? ये courage को use कैसे करते हो आप? जब कुछ बुरा भी हो जाता है, तो मैं use करता हूँ उसको भी. अच्छा ठीक है, हो गया बुरा, तो अब क्या करना है? तो मतलब कि आगे क्या करना? तो ये courage कहाँ से? तो carelessness में तो हो सकता है. ये carelessness में तो हो सकता है कि आपको tension ही नहीं है कि हाँ हो गया चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें करेज कहाँ से है? आप इसे करेज कैसे बोलोगे? करेज का मतलब होता है साहस. साहस का मतलब होता है मुश्किल समय में अपने आप को वापस उठाना और फिर चीजें करना. तो आपने तो चीजें हो गई, उसके बाद आप बोल रहे हो. मैं पूछ रहा हूं कि मुश्किल समय में आपका करेज आपको कैसे मदद करता है? या कोई एग्जाम्पल बता सकते हो कि जब आपके करेज ने आपको हेल्प किया? यही जो चीज हो रही है ना, ये चीज डिफरेंस रहती है बेटा. हम जो ये सोचने में टाइम बताते ना कि हमारी लाइफ के बारे में ना सोचना पड़ रहा है, गॉन. मालूम है क्यों? आपने 4 साल पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की, है ना? 4 साल पढ़ाई जो करी, आपको वो बताने में 4 मिनट लगे होंगे. आपने अपनी जिंदगी के 24 साल बिताए हैं और 24 साल की एक भी इंफॉर्मेशन आप देने में डर रहे हो, ये आपको आई नहीं रही या बता ही नहीं पा रहे हो. 24 साल में क्या ऐसा एक भी इंसिडेंस नहीं हुआ जहां पे आपने बहादुर का काम करा हो? हुआ होगा, याद ही नहीं आ रहा. क्यों याद ही नहीं है? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों के पास 5 स्ट्रेंथ है, 5 मिनिमम, कम से कम 5 स्ट्रेंथ है आपके पास, कॉन्फिडेंस छोड़ के. फिर कॉन्फिडेंस दिखता है. अब आप आओ बोलो सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. हो गया कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस दिखता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सामने वाला खुद बोलेगा कि हाँ मैं आप कॉन्फिडेंट हो, दिख रहा है कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस हटा के 5 क्वालिटीज आपके अंदर अगर हो तो मैं आपको सोचने में मजबूर करना चाह रहा हूं. क्योंकि अगर आपके अंदर 5 क्वालिटी 22 साल 21 साल 20 साल इवन 5 साल का तो कोई है ही नहीं अपने पास, बट फिर 18 साल मिनिमम होगा या 16 साल मिनिमम होगा. 16 साल जिंदगी जीने के बाद भी आपके अंदर 5 क्वालिटी नहीं है जिसको आप बता सको किसी को, तो आप कैसे गारंटी बोल सकते हो कि जो 4 साल पढ़ाई करी है आपने वो ढंग से करी है? जब जिंदगी की पढ़ाई में आपने 26 साल 16 साल 18 साल बिताने के बाद भी अपने बारे में नहीं जान सकते, तो क्या गारंटी दोगे कि वो किताब में जो लिखा था वो आपको याद रहेगा? रहेगी? क कितों को आती है? हिंदी कितने लोगों को आती है? सी क याद नहीं, हिंदी आती है. कहने का मतलब यही है, नॉलेज का सोर्स याद नहीं है. नॉलेज है बस, पहना पक्का है. कुल्हाड़ी तभी कहलाओगे, आज भी कहला रहे हो. इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर जिस भी स्पीड में जाना चाहते हो वो कहलाओगे आप. पहना पक्का है. वेयर इज द कटिंग एज व्हिच इज रिक्वायर्ड इन योर पर्सनालिटी टू मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? आपका बगल वाला हो सकता है वही कुल्हाड़ी लेकर मेहनत कर रहा हो काटने की, बिना उसे पहनापन लाए. आप पहना पड़ लाओ, टाइम लग सकता है मगर आप ज्यादा इफेक्टिव कहलाओगे, आपका काम ज्यादा शार्प रहेगा. गेटिंग सबको पीछे क्लियर? ओके,
Now, never feel sorry for being alive. Find your purpose and embrace life. What do you mean by this? Embrace matlab kya hota hai? Embrace matlab? Gale lagna. Gale lagna. Thank you. Embrace matlab? Embrace matlab? Gale lagna. Gale lagna. गले कब लगते हैं अपन किसी के और कैसे लगते हैं? गले कैसे लगते हैं? अपनी दोहें दोनों बाहें खोलते हैं, शाहरुख खान पोज देते हैं और सामने का भक्कर आता है ऐसा कुछ? गले कब लगते हो, कैसे लगते हो? गले लगने के लिए आप सीधे खड़े नहीं हो सकते ऐसे, आप गले लगा लो। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी दोनों बाहें ओपन करनी पड़ेगी सामने वाले को अपने करीब लाने के लिए। आया ना? जिंदगी जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट मालूम है क्या है? चलो देखते हैं। अच्छा, आपको करना कुछ नहीं है। कॉपी और पेन है आपके पास? नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जिनके पास डूडल व्हाट्सएप या किसी पे डूडल अगर हो फोन में तो डूडल को लिया स्क्रिबल करने के लिए कुछ बोले जहाँ पर आप अपने हाथ को यूज कर सकते हो कुछ बनाने के लिए। आपको बनाना क्या बताऊँ मैं? बचपन में आपने याद है वो घर बनाया था ऐसा वाला, ट्राइंगल वाला या घर कैसा भी वाला? मेक अ हाउस, मेक अ हाउस विदाउट एनी पॉइंट्स, मेक अ हाउस विदाउट एनी पॉइंट्स। कॉर्नर नहीं होना चाहिए घर के, हाँ कॉर्नर नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता कॉर्नर नहीं होना चाहिए। ट्राई तो करो, घर में कॉर्नर नहीं होना चाहिए। आप जो बनाना बनाओ वो कॉर्नर आगे नीचे, सोचो कॉर्नर नहीं होना चाहिए घर का, एज नहीं होना चाहिए कहीं। सोचो सर, या सर्कल, सर्कल घर होता है क्या? कैसे बनाओगे? रियलिस्टिक बन सकता है अगर, रियलिस्टिक बन सकता है कैसे? इवन अगर आप स्पीयर बनाते हो, स्पीयर अगर बनाते हो तो आप सेमी, आप इग्लू बनाओगे, इग्लू में भी एज आएगा कोने पे, बिना पॉइंट का पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। बन सकता है? कौन सा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला? जब किसी की माँ या हीरो बिस्तर पर रहता है तो उसके बगल में ना ईसीजी मॉनिटर होता है जिसमें दिल की धड़कन दिखाती है, धक 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 धक, एंड ईसीजी मॉनिटर्स ऊपर नीचे वेव करता है और अचानक हीरो आता है, माँ तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, माँ मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा माँ, और माँ देखती है बेटा भूल गया और अचानक से स्ट्रेट लगाती होता है। इवन नेचर सेज दिस वेरी क्लियरली दैट इफ यू नॉट हैविंग एनीथिंग इन लाइफ, इफ यू नॉट बेंडिंग यू आर डेड, यू नीड टू बेंड योरसेल्फ इन लाइफ। आप जितना बेंड करोगे उतना आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। क्या करना है आपको? बेंड करना है लाइफ में। अगर आप अपने आप को झुकाओगे अच्छी बात है, आप चीजें सीखना चाहोगे उसके लिए मशक्कत करोगे अच्छी बात है, मगर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको बेंड करना पड़ेगा। लाइफ इज नॉट ईजी, इट विल नेवर बी स्ट्रेट लाइन फॉर यू, बट आप आराम से फेवरेबल कंडीशन चीजें करो और आपके लिए सब चीज फेवरेबल होनी चाहिए। आपको अपने आप को धकेलना पड़ेगा उन सिनेरियोज में जिनके लिए शायद आप तैयार भी नहीं थे और ना कभी हो सकते थे। क्या आप तैयार हो अपने आप को बेंड करने के लिए?
हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अभी भी जिंदा हो? Yes sir. नहीं लग रहा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. मेरे दोस्त को नशा चढ़ रहा था, आपको क्यों चढ़ रहा है नशा? Are you there? Yes. Okay. So let's. I would like to conclude over here and let's go for the activity. जो मैंने आपको बोली थी. Conclusion is this that the walking dead concept says very clearly that if you are walking and you don't have emotions in life, you don't care about what people think about you or what is their perceptions about you, you're dead. One. Second, you need to struggle in life. Signs of life dikhana zaruri hai. Agar aap sign of life nahi dikha rahe, रोना हंसना मुस्कुराना दिल से, क्योंकि आप चाहते हो. जब लगना रो रो बिंदास रो. मुझे रोए हुए साल हो गए, मैं नहीं रोता. आई डोंट क्राई, वो मेरी मर्जी है, नहीं आते आंसू. खत्म, इमोशंस नहीं है. असली जॉम्बी मैं हूँ एक्चुअली, इमोशनलेस हूँ मैं. बट हाँ, आई एम हैप्पी विद दैट. मेरे चेहरे पे एक इमोशन दिखता है, वो है स्माइल. अब कभी भी देखोगे मुस्कुराहट रहेगी चेहरे पे, दैट विल नॉट गो एट एनी गिवन कॉस्ट ऑफ टाइम. तो मैंने आपका वो मुस्कुराना का ज़ॉम्बी रखा है अपने आपको, बट आई एम हैप्पी. मैं यही करना चाहता हूँ. देयर इज नो सेकंड थॉट. क्लियर विद दिस? चलो लेट्स हैव अ हेड काउंट. मैं चाहता हूँ एक हेड काउंट लेना. सो लेट्स गो विद नंबर. से वन, सर वीडियो सर. नाउ